हेलो एवरीवन, वेलकम है रूबीज क्रिएटिव बालकनी गार्डन में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है स्नेक प्लांट केयर, इसके लिए कौन सा खाद बढ़िया होता है, तो वही हम आज शेयर करेंगे। और स्नेक प्लांट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, ये ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। और ये प्लांट बिना केयर के चलता रहता है, इसको पानी भी कम चाहिए और खाद भी। तो इसके लिए खाद आपको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, आपके किचन में ही मिल जाएगा बहुत बढ़िया खाद इसके लिए। ये प्लांट बाहर ही रखा हुआ है बालकनी में, जहाँ पे इसको 2 घंटे का धूप मिल जाता है, और कभी कभी हम रूम में भी रख लेते हैं इनको। हमारे पास कई प्लांट है स्नेक प्लांट के, तो अंदर रख रहे हैं प्लांट तो 15 दिन बाद चेंज करना पड़ता है, बाहर वाला अंदर लाते हैं और अंदर वाला बाहर, ऐसे करते रहते हैं। अगर आप घर के अंदर लगाना चाह रहे हैं कुछ हार्डी सा प्लांट, तो आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। और स्नेक प्लांट हमेशा पानी की वजह से ख़राब होता है, इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। और इसको ब्राइट लाइट में रख सकते हैं, इसको धूप की ज़रूरत नहीं है, पर 1-2 घंटे की धूप मिल जाए तो अच्छा है। तो अभी हमारे स्नेक प्लांट में 4 प्लांट निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक ही प्लांट था, तो पहले 2 निकला, उसके बाद फिर 4 निकल रहे हैं, और धीरे धीरे पूरा गमला भरने वाला है। इधर भी 1 प्लांट और इसमें 2 निकल रहे हैं बेबी प्लांट। ये वाला स्नेक प्लांट बहुत अच्छा लगता है देखने में, येलो कलर से धारियां बनी रहती है इनके ऊपर, और इनका प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है, पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी कई गमले में लगा रखा है इसका कटिंग, तो लग जाएगा तो दिखाऊंगी। स्नेक प्लांट के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो गुड़ाई करने पे कट भी सकता है, डैमेज हो जाता है प्लांट। तो मैं तो हमेशा इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट या घर में जो बनता है उसका लिक्विड बना करके देते हैं। स्नेक प्लांट को अगर हम ड्राई खाद देते हैं, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, तो 2 बार दे सकते हैं साल में। अगर लिक्विड देते हैं तो 4 से 5 बार देना पड़ेगा साल में। तो हमने फरवरी के लास्ट में खाद दिया था, इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था सरसों खली का, और फिर से आज वही देने वाली हूँ घर में बना करके। तो आज मैं बताऊँगी सरसों खली का खाद मैं घर में कैसे तैयार करती हूँ। सरसों खली का खाद बहुत ही अच्छा होता है हमारे पौधों के लिए, नई नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे अगर आप यूज करते हैं तो। सरसों खली के अंदर ही कई तरह के खाद मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है, फास्फोरस, पोटास, कार्बन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाता है सरसों खली के अंदर। और इसके अंदर 10 से 15% तेल बचा रहता है, जो हमारे पौधों के लिए अच्छा होता है, जो हमारे पौधों में कीड़ों का प्रकोप नहीं होने देता है और मिट्टी में भी कीड़े नहीं लगने देता है। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरा न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले दिखे। तो चलिए मस्टर्ड के कैसे बनाते हैं सरसों खली का खाद घर में, क्योंकि हर जगह आसानी से नहीं मिलता है ये खाद। तो ये हमारे पास पीला वाला सरसों है और ब्लैक वाला भी होता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास है। तो इसको आप मिक्सी में पीस लेंगे, एक पाउडर बना लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको हमने बारीक के पीस लिया है, और जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें सरसों का तेल बहुत ज़्यादा है, जो हमारे पौधों को नुकसान भी कर सकता है, बहुत मात्रा में तेल है इसमें, तो उसको हम कम कैसे करेंगे आप देखिए। पहले एक पन्नी लिया था और उसके ऊपर टिश्यू पेपर बिछा लिया, और उसी के ऊपर सरसों खली रखना है जो हमने पीस करके रखा है, और ऊपर से भी हमने कवर कर लिया टिश्यू पेपर से, और पन्नी को बांध लेंगे अच्छे से। कोई भारी चीज़ से इसको दबाना है, पन्नी के ऊपर कोई चीज़ रखना है जिससे ये अच्छी तरह से दब जाए, ताकि तेल उसमें ऑब्जर्व हो जाए जो हमने टिश्यू पेपर लगा लिया है उसके ऊपर। तो बहुत हद तक तेल निकल जाता है वैसे करने पर, तो मैं दबा करके रखी थी। उसके बाद
50 ग्राम के करीब हमने पानी में डाल करके रखा था। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई है तो इसका मात्रा बहुत कम करेंगे हम, क्योंकि ये गर्म खाद होता है, सर्दियों के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पर हम गर्मियों में भी दे सकते हैं इसका बहुत ही कम मात्रा। तो हमने लगभग 50 ग्राम डुबो करके रखा था। 50 ग्राम मस्टर्ड केक में हम 5 लीटर तक पानी इसमें मिक्स करेंगे। और आपका छोटा गमला है तो लगभग 100 ग्राम दे दीजिए, और बड़ा गमला है तो लगभग 250 ग्राम दे सकते हैं। तो ये हमारे सारे स्नेक प्लांट 8 इंच के गमले में लगे हैं, तो 100 से 150 ग्राम में लगभग दे रही हूँ। और इस खाद को हम शाम को दे सकते हैं 6 बजे के बाद, और सुबह में देना चाहें तो सुबह में भी दे सकते हैं। और सुबह में अगर देना है तो 6-7 बजे तक दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्नेक प्लांट के लिए मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए, तभी अच्छे से ग्रो करेगा। पानी नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें सड़ जाते हैं। और मस्टर्ड केक को हमने 2 दिन के लिए पानी में भिगो करके रखा था। 2 से 3 दिन तक आप रख सकते हैं ताकि अच्छे से गल जाए। और डालने से पहले आपका मिट्टी सूखा हुआ होना चाहिए गमले का, तभी अच्छे से वर्क करेगा ये। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।